Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class social science worksheet number 22 and the date of this worksheet is 25 August 2020. इस वीडियो के अंदर हम आपके ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर्स में भी हम तीन तरह की एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे. सबसे पहली है अर्ली सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी इंटेंसिव लाइवलीहुड और तीसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर. ये जो पहली है अर्ली सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या होती है? ये एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे करी जाती है. मतलब छोटा सा कोई खेती का टुकड़ा होगा, कोई भूमि का टुकड़ा होगा और उसके ऊपर ये खेती करी जाती है. और ये जो होती है आपकी इंटेंसिव लाइवलीहुड, ये आपकी लार्ज फॉर्म में होती है. मतलब अगर ये इतने फॉर्म में है तो ये इतने बड़े स्केल पे होती है, इसका स्केल बड़ा होता है. और कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये मॉडर्न सीड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और ये सबसे बड़े लेवल पे करी जाने वाली एग्रीकल्चर है. देखिए और क्या डिफरेंस है इसके अंदर. इट इज़ डन विद एंशिएंट टूल लाइक कुल्हाड़ी, हाशिया, खुरपा, ईटीसी एंड फैमिली मेंबर्स. ये जो आपकी अर्ली सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें जो पुराने हथियार हैं जैसे कुल्हाड़ी हुई, हाशिया हुआ, खुरपा हुआ, ये सब यूज़ करे जाते हैं और पूरी की पूरी परिवार इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है. जबकि जो आपकी इंटेंसिव लाइवलीहुड है, इसमें मॉडर्न मशीन यूज़ करी जाती है, हाई प्रोडक्टिविटी सीड यूज़ करे जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र लगाए जाते हैं और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करे जाते हैं, जिससे कि जो आपकी जो क्रॉप है उसको हार्म ना पहुँचे. और जो आपकी कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ये प्लांटिंग एग्रीकल्चर होती है. कमर्शियल एग्रीकल्चर, इसमें एक ही क्रॉप को बड़े बड़े लार्ज ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर पे लार्ज कैपिटल और वर्कर की मदद से उगाया जाता है. जैसे कि असम में देखो आप बगान, एक ही चाय का पौधा जो टी प्लांट है वो इतने बड़े स्केल पर उगाया जाता है. तो आप इसको इस तरीके से समझिए, ये जो अर्ली सब्सिस्टेंस जो आपकी फार्मिंग है, ये स्मॉल लेवल पे है, छोटे किसान करते हैं, छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है, कुल्हाड़ी, हंसिया, खुरपा वगैरह का यूज़ करते हैं और ये फार्मर डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे और वहाँ की सोल फर्टिलिटी पे. मतलब ये अपने से, मतलब इनके पास इतनी सहूलियत नहीं होती कि ये अपनी जो क्रॉप है उसको ज़्यादा अच्छा कर सकें. और जो इंटेंसिव लाइवलीहुड है, इसमें ये कमर्शियल है एक तरीके से और इसमें आपकी मॉडर्न मशीन्स भी होती हैं, सब कुछ होता है और ये कैनल और ट्यूबवेल के थ्रू अपनी इरिगेशन करते हैं. जो अपनी सिंचाई है कैनल और ट्यूबवेल वगैरह से कर लेते हैं. और जो तीसरे नंबर की हमारी कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ये बड़े ही स्केल पर होने वाली है. इकट्ठा ही बहुत बड़े बड़े बगान होते हैं, फॉर्म होते हैं और उसमें होती है जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर कैन है, बनाना है और भी क्या, ये क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं. इट इज़ इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. और ये हमारी जो इंडस्ट्री होती है ना और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके बीच का काम करते हैं. मतलब यहाँ से डायरेक्ट उनको माल सप्लाई होता है, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं. अब देखते हैं जो हमारी क्रॉप है वो तीन तरह की होती हैं. एक होती है रबी क्रॉप, दूसरी है खरीफ क्रॉप और थर्ड है जायद क्रॉप. तो जो रबी क्रॉप होती है ये बोई जाती है विंटर सीजन में, जब अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है और अप्रैल से जून के महीने में इसको काटा जाता है. तो ये होती है रबी क्रॉप. देखिए खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप डिफरेंट रीजन्स में बोई जाती है कंट्री में. और जब मानसून शुरू होता है जैसे जुलाई वगैरह का टाइम होता है तो तब इसे बोया जाता है और सेप्टेम्बर अक्टूबर में काट लिया जाता है. मैं डियर स्टूडेंट्स इसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी, रबी को खरीफ में, खरीफ को अगर रबी में कर देती थी, तो मैंने ये ट्रिक लगाई कि रबी की क्रॉप वो जब रबी की ज़रूरत पड़े, मतलब सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर में रबी की क्रॉप और जो मानसून शुरू हुआ तब खरीफ की क्रॉप. और जायद जो क्रॉप होती हैं ये समर और इसके रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती हैं समर में, है ना, जब इन दोनों का बीच का टाइम होता है. तो ये इसको जायद फसल, जायद जो क्रॉप है इसको बो देते हैं.
जो रबी क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, इसको आप पढ़ लेना, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड, वीट वगैरह। और इसमें दिए हैं आपके खरीफ में, जैसे राइस में ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, मतलब सारी दालें, चावल, ज्वार, बाजरा और जौ, ये सब किस में आता है, आपकी खरीफ की फसल में ये बोई जाती है जब मानसून आता है। और जो आपकी जायद फसल है, इसमें आपके कुकुम्बर, आपका मेलन, वाटर मेलन, ये सब क्या हैं, जायद क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। आप देखते हैं जो आपकी रबी क्रॉप है ये कहाँ पे बोई जाती है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर, तो हमारी दिल्ली के चारों तरफ तो रबी की क्रॉप बहुत बोई जाती है। राइस कल्टीवेशन इज़ मेनली इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। और अब इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो खरीफ की फसल है इसमें राइस कल्टीवेशन होती है और ये मेनली इन स्टेट्स में है जिनके अभी हमने नाम लिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बहुत जल्दी से। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप यूज्ड इन योर होम। तो हमने लिस्ट बना दी है, रबी की खरीद क्रॉप यूज़ होती है वीट, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ठीक है। और खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल कब यूज़ होती है, खरीफ की फसल यूज़ होती है। और जो आपकी खरीफ की फसल है वो आपकी राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, ये सब क्या होती है, ये आपकी खरीफ की फसल होती है। इसके बाद आप कोमा लगा लेना, लास्ट वाले के बाद आप कुछ भी लगाइए, ETC वगैरह, लेकिन आप इनके बीच में कोमा लगाएंगे, ठीक है। जायद की फसल होती है हमारे, जैसे कि मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया और भी कई सारे, तो हम ETC जरूर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री क्रॉप्स रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज इन योर होम। ऐसी प्लांटिंग एग्रीकल्चर की तीन क्रॉप बतानी है जो हमारे घर में यूज़ होती है। तो हमारे घर में कॉफ़ी भी यूज़ होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी, कोमा जरूर लगाइए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉफ़ी, रबर, सुगर कैन एंड बनाना, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाना, एंड लगाया, तो कॉफ़ी, रबर, सुगर कैन और बनाना, इनमें से आप तीन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, के कौन कौन से साइलेंट फीचर होते हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटेंसिव लाइवलीहुड, इट इज़ डन ऑन लार्ज फॉर्म्स, मॉडर्न मशीन्स, हाईली प्रोडक्टिविटी सीड्स, ये सीड्स, आज कुछ ज़्यादा ही गलती हो गई है बच्चों, लेकिन आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप इसको ठीक कर लेंगे, ये है सीड्स, ठीक है। इट इज़ डन ऑन लार्ज फॉर्म ऑफ मॉडर्न मशीन्स, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स, कोमा, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन द कैनल्स एंड ट्यूब वेल्स, है ना, यूज्ड इन कैनल्स एंड ट्यूब वेल्स आर यूज्ड फॉर इरीगेशन, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर कि कैनल और ट्यूबवेल भी यूज़ होती है इसके इरिगेशन में, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे कोमा लगाना है मशीन के बाद, हाई प्रोडक्टिविटी सीड के बाद लगाना है और पेस्टिसाइड्स आर यूज इन इट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है बच्चों। सॉरी आपकी इनकन्वीनियंस के लिए, आगे से ये मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक्स अब देखी उसके लिए सॉरी मांगती हूँ आपसे। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फार्मिंग इन इंडिया इज़ अ गैम्बल, फार्मिंग करना भारत में एक जुआ है, आप क्या इससे सहमत हैं, अपने दो रीज़न बताने हैं इसको सपोर्ट करते हुए, तो बता दो। फार्मिंग करना इंडिया में गैम्बल है क्योंकि बहुत सारे फार्मर इसकी फैसिलिटी की सुविधा नहीं होती, उन्हें फैसिलिटी नहीं होती ट्यूबवेल या कैनल्स की इरिगेशन के लिए अपने फील्ड में, और वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं रेन के ऊपर, और रेन उनको, अगर रेन हो जाती है तो अच्छी फसल हो जाती है, अगर रेन नहीं होती तो उनको अच्छी फसल नहीं मिलती। एक्चुअली दे डोंट गेट इवन टू मच मनी टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और उन्हें इतना पैसा भी नहीं मिलता कि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 22। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी ब्यूटीफुल कमेंट, लवली कमेंट, अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलिए। थैंक यू।